नीतीश कुमार अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तेजस्वी यादव को अपॉइंटमेंट दे दे तो समझ जाइए कि कुछ बड़ा होने वाला है। तेजस्वी यादव ने कास्ट सेंसस पर नीतीश को 72 घंटे में बुलाने का अल्टीमेटम दिया था और नीतीश ने ओब्लाइज करते हुए एक दिन के अंदर ही तेजस्वी को बुला लिया और तेजस्वी जाति जनगणना पर नीतीश के रुख से अब खुश भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कमिट किया है कि वो जाति जनगणना जो है इसके पक्ष में है और दो बार बिहार विधानसभा बिहार विधान परिषद से पारित जब कर दिया गया तब भी लोगों का मिजाज जो था ऑल पार्टी मीट का किसके पक्ष में रहा और हम लोग प्रधानमंत्री से भी जाकर के मिल गया। देखिए इस मामले में जातीय जनगणना को लेकर के जो मामला है हमको प्रधानमंत्री से भी मिलना जाना पड़ा तो हम गए, हमने अपने बात को रखा और मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग गए थे, डेलीगेशन भी हम लोग बिहार विधानसभा में लेके गए थे ऑपोजिशन, तो उनका कहना था कि भाई बिहार विधानसभा के बाद ऑल पार्टी मीट जो है, आप प्रेस को भी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि ऑल पार्टी मीट बुला करके इस पे जो है सब लोगों की राय लेकर के हम जो है इस काम को करेंगे। दरअसल कास्ट सेंसस तेजस्वी और नीतीश का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। विधानसभा से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के दरबार तक दोनों सुर मिलाकर जॉइंट एक्शन के साथ इस मुद्दे पर काम करते रहे हैं और ये बिल्कुल साफ है, दोनों की इफ्तारी पॉलिटिक्स से ही उनकी केमिस्ट्री भी साफ नजर आ रही है। जब दोनों एक दूसरे के इफ्तार में शामिल हुए वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, ये बात बीजेपी के नोटिस में भी जरूर होगी और बीजेपी को ये खटक भी रही होगी। देखिए बिहार में अंदर खाने और सामने सामने बहुत कुछ हो रहा है। बीजेपी आक्रामक हिंदुत्व से अपना अकेला अस्तित्व खड़ा कर रही है। रहस्यमय ढंग से अचानक पीके यानी कि प्रशांत किशोर अपने गृह प्रदेश में स्वराज पद यात्रा का ऐलान कर चुके हैं। सियासी समीकरण को लेकर एकदम नापतोल चल रहा है और सारी पार्टीज विकल्प पर विचार कर रही हैं, यानी फायदा और नुकसान का लेखा जोखा लेकर पलटी मारने का ऑप्शन। और इधर सत्ताधारी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को गुपचुप एकाएक नीतीश का मूड भापने या उन्हें मनाने पटना भी भेजा। अब इस बैठक में क्या हुआ अभी किसी को नहीं पता, सिर्फ नीतीश कुमार को ही पता है कि वो क्या करने वाले। लेकिन ये तो साफ है कि बीजेपी और नीतीश के बीच सब कुछ सामान्य यानी ठीक नहीं है। नीतीश के तेवर तो यही बता रहे हैं कि वो दबने वाले नहीं हैं और अपनी शर्तों और अपनी धाक से ही या तो बिहार चलाएंगे या चलवाएंगे। एक बात और है कि बीजेपी को 2024 की चिंता है और वो नीतीश को खोना नहीं चाहेगी। लेकिन कास्ट सेंसस की बात तेजस्वी ने देखिए तभी उछाली जब धर्मेंद्र प्रधान नीतीश से 2 घंटे की बैठक कर दिल्ली लौट चुके थे। नीतीश 24 घंटे के अंदर उन्हें बुलाकर तेजस्वी से उन्होंने उनको गले भी लगा लिया। अब शायद नीतीश और तेजस्वी ये समझते हैं कि जाति जनगणना यानी कास्ट सेंसस सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स को जिंदा रखने का एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है और यह हथियार बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व का जवाब भी बन सकता है। यह भी समझा जा सकता है कि तेजस्वी और नीतीश दोनों को यह सूट करता है कि बीजेपी को दूर या दबा कर रखा जाए और बिहार की पॉलिटिक्स तेजस्वी और नीतीश के बीच ही इस समय पोलराइज रहे। इससे पीके का भी जो संभावित प्लान है और उनके जो मंसूबे हैं उनको भी अभी से पलीता लगाना आसान होगा। हम ये कह सकते हैं कि कास्ट सेंसस पर नीतीश और तेजस्वी के सुर अब एक संयुक्त ऑर्केस्ट्रा की उपज है और भले ही तेजस्वी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो और नीतीश मुख्यमंत्री, लेकिन जाति जनगणना ने दोनों को एक कर दिया, दोनों एक हो गए हैं। और वैसे भी देखिए राजनीति में ना कोई दुश्मन नहीं होता बल्कि राजनीतिक स्वार्थ वही सबसे ऊपर होता है और जब बात कॉमन इंटरेस्ट कॉमन थ्रेट की हो तो पासा और पाला क्यों नहीं बदला जा सकता।
समय बड़ा बलवान होता है दोस्तों, और नीतीश और तेजस्वी के अलावा जेल से बाहर आए लालू प्रसाद यादव इसे बखूबी जानते हैं। तो आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि न्यूज यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी बताइएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू।